तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास एक इमरजेंसी लाइट रिपेयर के लिए आया है जो कि काम नहीं कर रहा है। उसका बल्ब भी नहीं जल रहा है और चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑन, ये भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसका जो केबल है उसमें पावर सप्लाई देते हैं, वो काम नहीं कर रहा है। देखो पावर सप्लाई देने से ही उसका जो बल्ब है वो जल रहा है, ये देख लो। ये बंद हो गया, ये देखो पावर सप्लाई देने से। और मैं इसको जब हटा देता हूँ वो तो नहीं जलता है, देख लो। मैं इसको अभी फिलहाल हटा देता हूँ, ये देख लो नहीं जल रहा है। एसी करंट में ही काम कर रहा है, बैटरी में नहीं कि ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे खोलना है। मैं आपको देख सकते हो तो मैंने 6 स्क्रू को खोल दिया, इसको थोड़ा सा लगा देते हैं। अब इसे करते हैं, खोलते हैं, इस ढक्कन को साइड में कर देते हैं और देखते हैं ये है उसका बैटरी। चलिए अभी आप क्या करते हैं, अभी जो किट लगा हुआ है ये किट को भी बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इसे खोलते हैं, इसको हो गया, ये भी स्क्रू हो गया, इसको मैंने निकाल दिया, थोड़ा साइड में कर देते हैं। आप देखते हैं ये हमारा जो किट है हो गया। ये जो स्विच लगा हुआ है स्विच को बाहर निकालते हैं, ये भी हो गया। अब चेक करते हैं ये जो किट लगा हुआ था, सबसे पहले हम क्या करना होगा, बैटरी को चेक करते हैं उसका वोल्टेज है कि नहीं। हमें एक मल्टीमीटर लेना है, डीसी 20 वोल्ट और सेट कर देना है और बैटरी को चेक करना है। देखो बैटरी भी डेड है, चलिए इसको हटा देते हैं, पहले किट देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये देख लो, मैं आपको शायद दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये पूरी तरह से जल गया है। ये देख लो, और यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दी, देखो इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देख लो उसका हालत, देखो क्या हो गया है, देखो ये ख़राब हो गया है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे रिमूव करते हैं, इसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं हो रहा है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे रिमूव करना होगा। थोड़ा थोड़ा सा करके ये देखो गाइस ये हो गया, रिमूव हो गया। और हमारा जो रजिस्ट ये भी एक पिन का हो गया। अब दूसरा वाला, ये दोनों देखो पूरी तरह से जल गया था, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास तो अभी फिलहाल ये जो कैपेसिटर है हमारे पास अभी वो 100 UF का तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुराना मेरे पास एक देख लो एक सर्किट पड़ा हुआ था, इस सर्किट में एक लगा हुआ है कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को पहले खोलते हैं और इसमें लगा के देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। तो चलिए इसको मैं बाहर निकालता हूँ, काम करे तो अच्छा है। ओके ये बाहर निकल गया, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं, तो काम करता है कि नहीं। इस तरह से जैसे खोले थे वैसे ही उसको हमें लगा देना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव तरफ और नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ। ये हो गया, तो थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लेना है, इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। ये हो गया गाइस, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो
हमने इसको सोल्डिंग कर दिया, जैसे खोले तो वैसे ही इसको लगा दिया। यहाँ पर देख सकते हो एक निशान है ये जो माइनस का है, और इस तरफ जो निशान रहता है नहीं रहता है वो पॉजिटिव का है, वो नेगेटिव का है। तो गाइस हमने जैसे खोले तो वैसे ही उसको लगा दिया। अब क्या करना है, हमारे पास अभी और एक R2 का जो और एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, 20K पर सेट कर देना है। और चेक करते हैं ये देख लो उसका ओम। तो चलिए इसे फिट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको इसको इस तरह से बिठाते हैं। ये हो गया, अब सोल्डिंग कर देते हैं। हो गया गाइस, ये देख लो जैसे खोले थे वैसे ही उसको लगा दिया। अब क्या करते हैं, उसका कवर में अभी लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब फिट कर देना है। तो सबसे पहले देख लो ये है नेगेटिव वायर है, नेगेटिव वायर ये जो बल्ब का ये नेगेटिव वायर है। तो चलिए यहाँ पर इसको कनेक्शन दे देते हैं। ये होगा उसका नेगेटिव वायर हो गया। अब जो बल्ब का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को यहाँ पूरा सोल्डिंग करना है यहाँ स्विच में। तो चलिए इस स्विच में इसको लगा देते हैं। देख लो ये हो गया, ये कंप्लीट तो हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको फिटिंग कर देते हैं। इस तरह से वो काम करेगा कि नहीं आगे देखते हैं। तो मैंने इसको लगा दिया इस तरह से। लेकिन वहाँ ये है उसका स्विच, ये हमने लगा दिया। तो चलिए अब सर्किट को क्या करते हैं, इस तरह से लगा देना है। तो गाइज उसके बाद ये गाइज देख लो हमारे पास ये लिबोन का एक बैटरी है जो 1.5 mAh का बैटरी है। तो चलिए इसे अब लगाते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं। तो गाइज अब चलिए इस बैटरी को अब लगाते हैं। सबसे पहले बैटरी को सोल्डिंग कर देते हैं। ये है उसका नेगेटिव वायर, ये है पॉजिटिव। ये तो हो गया, इसको यहाँ पर अब रख देते हैं और देखते हैं। अभी देख सकते हो अभी जो काम कर रहा है ये ऑफ हो गया। देख लो ऑफ, लो, हाई, ये तो हो गया। अब क्या करना है हमें, तो गाइस अभी ये जो बल्ब है ये जल रहा है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एसी करंट में इसको डाल देता हूँ। ये है उसका चार्जिंग कार्ड, तो चलिए इसको मैंने डाल दिया। तो गाइस देख सकते हो अभी जो देखो बल्ब ये बराबर वर्किंग कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज इस तरह की लाइट से रिलेटेड वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी। देख लो गाइज ये पहले तो वर्किंग नहीं कर रहा था, अभी देखो बल्ब कैसे बराबर जल रहा है।